हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित कुमार झाझड़िया और आप सबके सामने आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शख्स से बात करवाने जा रहा हूँ जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर। हरियाणा की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे CCS HAU 6 ईयर प्रोग्राम में इनकी अपनी कैटेगरी में 4th रैंक आई है। मैं आज आपको इनसे बात करवाता हूँ और ये आपको बताएंगे कि इन्होंने किस प्रकार पढ़ाई की, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो भी इन्होंने जो फेज इनके सामने आया है, कैसे इन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया और एक बहुत अच्छा स्कोर किया और 4th रैंक इन्होंने हासिल की। इनकी बहुत गलतियां भी हुई हैं, ये नहीं है कि आपको ये लगता हो कि इन्होंने एग्ज़ाम बिल्कुल आसानी से क्रैक कर दिया या ये कोई बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बंदे थे, आप जैसे ही एक आम बच्चे हैं। तो अब हम बात करते हैं अरुण से। सबसे चाहूँगा कि अरुण आप अपने बारे में कुछ बताइए और बताइए कि आपने किस प्रकार तैयारी की और किस प्रकार आपको समस्याएं आई, मतलब क्या क्या चीज़ हुई स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, उन चीज़ों के बारे में आप एक बार क्लियर बता दीजिए। आपको क्या लगा, मतलब कौन सी दिक्कतें आई, कौन सी चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई जब आपको लगा कि आप हार चुके हो, आपसे नहीं होगा, या आपको सब कुछ आसान लगा, आपको पहले दिन से लग रहा था कि आपका हो जाएगा हो जाएगा, एक बार बताइए अरुण। मेरा नाम अरुण है। मैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जम्बा के रहने वाला हूँ। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में 4th रैंक हासिल किया है और इसका जो श्रेय मैं अपने माता पिता और सुमित कुमार झरिया सर और रिम्पी मैम को देना चाहता हूँ। इन्हीं की वजह से आज मेरा सिलेक्शन हो पाया है। आपको कैसे पता चला कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आपको देना है, या आपको कब महसूस हुआ कि आपको एग्रीकल्चर में ही जाना है या आपको कोई और फील्ड में जाना है, या आपने ऐसे ही दे दिया आपके पेरेंट के कहने पर, या आपको खुद को कभी महसूस हुआ, या किसने गाइड किया आपको ये एग्ज़ाम देने के लिए, किसने बताया एग्ज़ाम के बारे में आपको? जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे एक सीनियर भाई थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पेपर होता है 10th के बाद, तो अगर उसको क्वालिफाई कर देते हैं तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल जाता है। तो मैंने उनसे थोड़ा बहुत उन्हें बताया मुझे कि ऐसे ऐसे होता है। फिर मेरा भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था इसमें शुरू शुरू में, क्यों मैं भी एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, तो फिर मैंने भी सोचा क्यों ना इसमें अपना करियर बनाया जाए, तो फिर इसलिए मैं अच्छा, आपके इस साइड पापा आया। मतलब आपके मम्मी पापा दोनों एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं आप पानीपत में ही? यस सर। ठीक है, तो मतलब आप बच्चों को ये बताना चाहते हो कि आप कोई मतलब वेल सोसाइटी से नहीं हो, आप एक आम से बच्चे हो जो और बच्चे हैं जैसे हरियाणा के। ऐसा नहीं है कि आपको बचपन से ही बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिली है जिसकी वजह से आपने आज ये रैंक हासिल की है, ऐसा तो नहीं है ना? ये ऐसा है? नो सर। अच्छा, मतलब आप बिल्कुल और बच्चों की तरह आम बच्चे ही हो, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटी में एक फितूर हो जाता है कि जो एग्ज़ाम क्रैक करने वाले बच्चे बड़े अलग होते हैं। मैं उन सभी बच्चों को आज इस बच्चे के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम क्रैक करता है वो आम सा ही बच्चा होता है, वो कुछ खास नहीं होता है, वो खास बनता है अपनी मेहनत के दम पे। तो अरुण, और आप बताइए, आपको एग्ज़ाम के बीच में आपको कैसे पता चला हमारे बारे में कि आपने जो हमसे कांटेक्ट किया उसके बारे में आपको कैसे पता चला? मैंने अप्रैल से सोची थी कि मैं अच्छा, एग्रीकल्चर की तैयारी शुरू करूँगा, तो फिर कोरोना स्टार्ट हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, तो फिर मैं पहले सोच रहा था कि इस साल जाऊँगे वहाँ से कोचिंग करेंगे, तो फिर वो तो संभव नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन करने की सोचते हैं, फिर मैंने ऑनलाइन ट्राई किया, तो मैंने यूट्यूब के माध्यम से देखा, तो मैंने सर वाला चैनल मिला उज्ज्वल करियर इंस्टीट्यूट हिसार के नाम से। तो फिर मैंने मैम डेली वीडियो अपलोड करती थी, तो मैंने वो वीडियो सारी देखी, तो मैंने सर से एक बार बात की कि सर इसका रजिस्ट्रेशन क्या करवाना है, सर आप कैसे पढ़ाओगे, तो सर ने बताया मुझे कि रजिस्ट्रेशन आपका वैसे फ्री होगा, हम फ्री में पढ़ाएंगे आपको और ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो फिर मैंने भी तैयारी शुरू कर दी थी, फिर सर डेली क्लास लेते थे, मैम भी डेली क्लास लेते थे, फिर हर हफ्ते हमारे टेस्ट होते थे जिससे हमें पता लगे तो कि अब फिर हम कितने कितने पानी में पानी थे में आप? हैं, तो ऐसे अच्छा, थोड़ा थोड़ा पानी में थे इम्प्रूव आप, मतलब होता आप गया। पानी में कितने थे आप कह रहे हो ना, हमें पता चले हम पानी में कितने थे।
तो आपको कभी लगा कि आप बहुत ज्यादा पानी में हो, या आपको ये लगा कि आप स्टार्टिंग से ब्रिलियंट हो, आपका स्टार्टिंग से अच्छा स्कोर आया था? स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है, कभी एग्रीकल्चर पढ़ा ही नहीं था तो शुरू शुरू में तो बहुत कम अच्छा, स्कोर आता था। फिर जब आपने पढ़ाया, मैम ने पढ़ाया, तो थोड़ा बहुत पता लगा। हर हर दिन कोई नई चीज़ पता लगती थी कि अच्छा कभी ऐसा ऐसा होता नहीं है। लगा, कभी फिर ऐसा थोड़ा नहीं लगा स्कोर, कि कभी मेरा ऐसा नहीं लगा सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब कम स्कोर आता? कभी डिमोटिवेट नहीं होते थे कि सर ने टेस्ट लिया या और मेरा इतना कम स्कोर आया, मेरा तो होना ही नहीं चाहिए? कभी ऐसा लगा है? यस सर, कब लगा या हमेशा ही लगा? जैसे या सर हमेशा ही लगा? नहीं, हमेशा नहीं तो मतलब कभी कभी ऐसा होता कि आज अच्छे से पढ़े नहीं, या फिर कोई और बात हो गई तो मतलब टेस्ट में बेकार स्कोर आ रहा है, तो फिर ऐसा लगता कि अब नहीं होगा, अब छोड़ दे, रहने दे, कोई फ़ायदा नहीं है तैयारी अच्छा, करने का। फिर डीमोटिवेट भी होते थे। मुझे याद है कि कई बार तो अपनी घंटों तक बातें होती थी, रात को 12-1 बज जाते थे, जब ये लड़का मुझे कहता था, सर मेरा नहीं होने वाला है, सर मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, सर मैं एक आम सा बंदा हूँ, मुझसे इतना बड़ा एग्जाम क्रैक कभी नहीं होगा। मैं इसको हर बार एक ही बात कहता था कि तू करेगा और कर कर रहेगा, बस खुद पर विश्वास रख और मुझ पर विश्वास रख। और आज इस लड़के ने वो एग्जाम बहुत अच्छे रैंक से क्रैक किया है। और कुछ अरुण कुछ कहना चाहेगा, बच्चों को बताना चाहेगा कोई अलग सी बात, जो नए बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं उनको कोई गाइडेंस देना चाहोगे या कुछ बताना चाहोगे अपने छोटे भाइयों को जो अगली साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, कि कैसे तैयारी करें, या जो वो फोबिया हो जाता है ना कि एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, पूरे हरियाणा के बच्चे आएंगे, बड़े बड़े कोचिंगों में आपको जाना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? या बच्चा सेल्फ स्टडी कर कर भी बहुत कुछ कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अपना जितना सर ने पढ़ा है उसको बार बार पढ़े, उसको बार बार रिवीजन करे, जिससे उसका कॉन्सेप्ट जो पकड़ होगी उस कॉन्सेप्ट में वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और एक कंटिन्यूटी की बात होती है कि बार बार उसको रिवीजन करे, ये नहीं कि अब कर लिया फिर बाद में उसको कभी उठाया ही नहीं, बार बार कंटिन्यूटी से रिविज़न करना। और सबसे बड़ी बात ये, सोशल मीडिया से दूर रहे, फालतू इनमें बढ़े नहीं ज़्यादा। अच्छा, ये मतलब आपने सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहे थे आप एग्ज़ाम के टाइम पर? अच्छा यस सर, ठीक है फिर तो। और कोई बात बच्चों को स्पेशल बात बताना चाहते हो अपने आप पर विश्वास रखो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, बस एक टाइप कंटिन्यूटी बनाए रखो और अपने आप पर विश्वास रखो, मैं तो यही कहता हूँ बस। आप? अच्छा, और कोई बात बतानी हो बच्चों को? वैसे आपको कुछ अलग लगा मैम में, जो हमारी रिम्पी मैम है उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है, उन्होंने मैक्सिमम एग्रीकल्चर उन्होंने ही करवाई है और बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी मैम इन बच्चों पे। मैम के बारे में कुछ कहना चाहोगे, दो शब्द? मैम ने मतलब शुरू से ही हमें एक अच्छा एक टाइप से डायरेक्शन दी कि ऐसे ऐसे करेंगे, पूरा अच्छे से हमें समझाया, सारी बुक अच्छे से करवाई, निवरा सुंडा करवाई अच्छे से पूरी बुक, अच्छा मतलब बेस्ट है मैम, मैम ने बेस्ट किया था। ठीक है, करें ऑफ यहाँ पे। या और कुछ आप बताना चाहोगे अपने बारे में या किसी और के बारे में, या कुछ भी आपको कोई डाउट, या मतलब किसी भी प्रकार का बच्चों के जो डाउट रहते हैं कॉमन कैरियर को लेकर, या आपके जो डाउट थे, मेरे हिसाब से बच्चों के भी वही डाउट रहते होंगे जो आज से 3-4 महीने पहले आपके डाउट थे, आप उनके लिए बच्चों कुछ गाइड करना चाहते हो? नो सर, ठीक है आज, ठीक है बच्चों, आप सभी की आज मुलाकात करवाइए अरुण से, हम अगली बार कोशिश करेंगे जो हमारे दूसरे बच्चे सिलेक्ट हुए उनसे मुलाकात करवाने की। तो सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आप बच्चों को अपने आप पर, आप सभी बच्चों को अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, आपको कभी हार नहीं माननी है लाइफ में। इस लड़के को मैंने कई बार खुद काउंसलिंग की है रात के 12-1 बजे तक, ये बच्चा ये बहुत डिमोटिवेट रहता था, कहता था कि सर मुझसे नहीं होगा नहीं होगा, और आज इतनी अच्छी रैंक ली है, खुद पर विश्वास रखो। फिर इसको मैं मोटिवेट करता था, इसको समझाता था कि लाइफ इतनी कमज़ोर नहीं है कि तू हार मान ले,
अभी लाइफ बहुत बड़ी है, एक बार गलत हो सकता है, दो बार गलत हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी बार बार गलत नहीं करेगी मेहनत करने वाले के साथ, और फाइनली रिजल्ट पॉजिटिव आया है। तो आप लोगों से भी बस यही बात कहना चाहूँगा कि आप अपना बेस्ट देते रहो, आप रिजल्ट का इंतज़ार मत करो, रिजल्ट नेगेटिव भी आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव भी आएगा, बस आपका काम क्या है, मेहनत करना। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो यहीं ऑफ करते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे कि हम अपनी जो एक एजुकेशन सिस्टम या जो हमने एक मुहिम चलाई है हर बच्चे को पढ़ाना, इसमें हम आगे किस प्रकार काम करेंगे, और मैं जो नए युवा साथी हैं जो अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़े हैं, उन साथियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े और हमारी मुहिम में आगे बढ़ाने में मदद करें। ठीक है, आप कहीं पे भी हो सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो, आप अपने शहर से जुड़ सकते हो, आप कहीं से भी जुड़ सकते हो, लेकिन यदि आप समाज में, आप एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ज्वाइन अस। ठीक है, थैंक यू।